हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे CBSE की सातवीं क्लास की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का 32वां चैप्टर बारहवा दिन। बारहवा दिन जो है वो किसका है? युद्ध का, जो कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हो रहा था। बारहवा दिन आ जाता है उनके बीच युद्ध होते होते। तो ग्यारहवें दिन में क्या होता है, जो दुर्योधन होता है वो एक चाल चलता है और सोचता है कि किसी तरह से युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लिया जाए, लेकिन वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाते। अब बारहवें दिन क्या होता है, आइए देखते हैं। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की चेष्टा के विफल हो जाने पर अंत में यही निश्चय किया गया कि अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा जाए। तो युधिष्ठिर को जो जीवित पकड़ने का प्रयास हो रहा था वो सफल नहीं होता, तो अंत में यही निश्चय किया जाता है कौरवों की तरफ से कि अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारते हैं। और लड़ते लड़ते फिर क्या होगा, जो अर्जुन है वो युधिष्ठिर से दूर हट जाएगा और फिर हम क्या करेंगे, युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लेंगे। तो जो ये युद्ध का दिन था वो बारहवां दिन था, बहुत ही भयानक युद्ध हो रहा था। द्रोणाचार्य जो थे वो युधिष्ठिर को बार बार पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, किसी तरह युधिष्ठिर जीवित पकड़ में आ जाएं, लेकिन जो उनका प्रयास था वो सफल नहीं हो रहा था। इधर क्या होता है, भगदत्त का जो हाथी था उसने भीमसेन को मार दिया, ऐसा शोर सुनाई देता है। तो यह शोर सुनकर जो युधिष्ठिर होते हैं वो विश्वास कर लेते हैं कि जो भीमसेन है वो सचमुच ही मारे गए होंगे। तो यह सोचकर कि भीमसेन है वो मर चुके हैं, तो जो युधिष्ठिर होते हैं अपने वीरों को आज्ञा देते हैं कि वो क्या करें, भगदत्त पर हमला कर दें। इधर युधिष्ठिर द्वारा भेजी गई कुमुक आ पहुंची थी। तो जो युधिष्ठिर होते हैं वो क्या करते हैं, जो वीर जिन्होंने उनको जिसको उन्होंने आज्ञा दी थी, जिन वीरों को जो भगदत्त उन पर हमला करने की, तो उनके लिए वो सहायता सामग्री जो होते हैं, कुमुक मतलब जो सहायता सामग्री होती है ताकि जो काम किया जा रहा है वो जल्दी से हो जाए। तो जो युधिष्ठिर होते हैं वो वीरों को सहायता सामग्री भेजते हैं ताकि युद्ध में वो अच्छे से लड़ सकें। और जो वृद्ध बुजुर्ग जो भगदत्त थे उनको चारों तरफ से जो पांडव के वीर होते हैं वो घेर लेते हैं। इधर क्या होता है, जो अर्जुन होते हैं वो संक्षप्तकों से लड़ रहे थे। तो अर्जुनों जो अर्जुन थे उनके पहुंचते ही पांडवों की सेना में क्या होता है, नया उत्साह आ जाता है, उनमें नया जोश आ जाता है अर्जुन को देखकर। और हाथी पर सवार भगदत्त ने अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों पर क्या किया, बाढ़ बरसाने शुरू कर दिए। तो जो भगदत्त होते हैं एक तोमर अर्जुन पर चलाते हैं, तो जो तोमर था वो अर्जुन के मुकुट पर जाकर लग जाता है। तो जो अर्जुन है उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो अपना जो मुकुट होता है उसको संभाल कर रख लेते हैं। और जो भगदत्त है उनसे कहते हैं अर्जुन कि अब इस संसार से विदा होने का तुम्हारा समय आ गया है, अंतिम बार इस संसार को अच्छी तरह से देख लो। तो जो अर्जुन थे उनको पता था कि जो भगदत्त हैं अब ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते, तो वो उनको ललकारते हैं, उनसे कहते हैं कि अब तुम क्या करो, इस संसार को अंतिम बार अच्छी तरह से देख लो। और ऐसा कहते कहते जो अर्जुन होते हैं अपना जो गांडीव होता है उसको तान लेते हैं। और फिर क्या होता है, अर्जुन द्वारा छोड़े गए बाणों से जो भगदत्त है उनका जो धनुष था वो टूट जाता है, और जो तरकश था जिसमें कि धनुष रखा जाता है उसका भी यही हाल होता है, वो भी टूट जाता है। तो अर्जुन ने भगदत्त के मर्म स्थानों पर भी बाण चलाकर उन्हें छेद डाला। फिर इसके बाद क्या होता है, अर्जुन के तेज बाणों से भगदत्त की आंखों के ऊपर बंधी हुई रेशम की पट्टी जो होती है वो कट जाती है, जो उसकी आंखों के ऊपर लटक आने वाली चमड़ी को ऊपर उठाए रखती है। तो जो भगदत्त थे उनके आंखों पर क्या था, रेशम की पट्टी बंधी हुई थी। तो जो अर्जुन थे जब बाण चलाते हैं तो अर्जुन के तेज बाणों से भगदत्त की जो आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी रेशम की वो कट जाती है, और उनकी आंखों के ऊपर लटक आने वाली जो चमड़ी थी स्किन थी उसको ऊपर उठाए रखती है। इससे भगदत्त की जो आंखें होती हैं वो बंद हो जाती है, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, चारों तरफ मानो अंधकार छा जाता है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, एक और पैने वार से उनकी जो छाती होती है वो भिद जाती है, उनका जो बाण था वो उनकी छाती पर लगता है, अर्जुन का जो बाण था वो भगदत्त की छाती पर जाकर लगता है। तो भगदत्त को गिरते हुए देखकर जो कौरव की सेना थी उसमें भगदड़ मच जाती है, सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं
और इधर उधर भागने लगते हैं। किंतु शकुनी के दो भाई थे जिनका नाम था वृश्चिक और अचक। वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होते, बहुत जमकर युद्ध करते हैं। तो ये दोनों जो वीर थे उन्होंने क्या किया, अर्जुन पर आगे और पीछे से बाणों की वर्षा की, उन्हें खूब अधिक परेशान किया। अर्जुन बहुत अधिक परेशान हो गए। फिर अर्जुन ने थोड़ी देर बाद क्या किया, उन दोनों के रथों को तहस नहस कर दिया और उनकी सेनाओं पर भी भयानक बाण वर्षा की। तो ये जो दोनों वीर थे, सिंह शिशुओं के समान, मतलब शेर के बच्चों के समान, ये दोनों जो भाई थे काफ़ी वीर, बाण लगने से घायल हो जाते हैं, गिर जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो शकुनी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि शकुनी जो थे वो बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं अपने वीर भाइयों के मारे जाने से। तो उनको इतना अधिक गुस्सा आ जाता है कि वो युद्ध शुरू कर देते हैं और उन सब उपायों से काम लेते हैं जिनमें उन्हें कुशलता प्राप्त थी। परंतु अर्जुन ने क्या किया, उसके एक एक अस्त्र को अपने जवाबी अस्त्रों से काट डाला। अंत में अर्जुन के बाणों से शकुनी ऐसा आहत हुआ कि उसे युद्ध क्षेत्र से हट जाना पड़ा। तो जो अर्जुन थे वो शकुनी के भी बाणों को क्या कर रहे थे, काट रहे थे। तो अंत में जो शकुनी होते हैं वो ऐसे आहत होते हैं, इतने ज़्यादा घायल होते हैं कि वो युद्ध क्षेत्र से हट जाते हैं। इसके बाद तो पांडवों की सेना द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़ती है। असंख्य वीर जो थे वो मारे जाते हैं, खून की नदियाँ बहने लगती हैं। थोड़ी देर बाद जो सूर्य होता है वो अस्त हो जाता है। अपनी सेना का ये हाल देखकर जो द्रोणाचार्य होते हैं वो युद्ध बंद कर देते हैं। दोनों पक्षों की सेनाएं अपने अपने डेरों में चली जाती हैं और इस प्रकार जो 12वें दिन का युद्ध होता है वो समाप्त हो जाता है। तो यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया। तो यहाँ बताया गया है कि 12वें दिन क्या क्या होता है। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।